पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। क्या हुआ? फिर से झगड़ा कर लिया रणबीर से? वो क्या झगड़ा करेगा, खुद ही परेशान। परेशान? हाँ, तेरे बारे में सोच रहा था। और उसे लग रहा है कि तू कुछ छुपा रही है उससे। लग तो सही रहा है ना, झूठ तो बोल ही रहे हम, पर ये तो ऐसा सच है जो मैं उसे बता भी नहीं सकती। मुझे क्यों देख रही है ऐसे? मैं जाके बताऊं उसे सच? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बस तुझे पता है ना कि वो इनोसेंट। इनोसेंट तो नहीं है वो, पर हमेशा उसकी बातों में आ जाती है। वो सिर्फ दिखता इनोसेंट है, वो बातें अच्छी अच्छी करता है, बस बिहेव कर रहा है नाइसली सो दैट हम बिलीव करें वो इनोसेंट है, वो प्यारा है, बस प्यार जताता है, वो करता नहीं है। अच्छा, तुझे इसमें भी प्रॉब्लम है? मतलब हिंदुस्तान की औरतों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका पति उनसे प्यार नहीं जताता, और तेरा पति तुझसे इतना प्यार जताता है फिर भी तुझे प्रॉब्लम है? अगर ये सच होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर तुझसे ना बात करना ही बेकार है। तुझे वो पहले से ही पसंद है ना, कॉलेज के दिनों से। उसकी हर बात अच्छी लगती है, सच्ची लगती है। पागल बन रही है तू राची? कभी कभी ना पागल होना बहुत अच्छा होता है, एटलीस्ट पागल लोग खुश तो रहते। वो पागल है तो मैं भी पागल बन जाऊं। राची तेरी प्रॉब्लम क्या है? कहता है मुझसे प्यार करता है। करता तो है, ये भी तो कहता था कि वन वुमन मैन है वो। वो भी है, क्यों उसकी साइड लेती है तू बार बार? और तू क्यों इतना अगेंस्ट आती है उसके? कॉलेज नहीं है ये, जो उसकी बातों से इम्प्रेस होकर उसका गुणगान करती रहती है तू। प्राची गुणगान इसलिए करती रहती है क्योंकि मैं जानती हूँ रणबीर को। आज उसने सबके सामने मेरे लिए स्टैंड लिया है, और वो तो तुझसे प्यार करता है, सोच तेरे लिए क्या नहीं करेगा। और तुझे क्या लगता है रिया, रिया खुद अपनी बात से पलटी है? नहीं, वो तो रणबीर था जो उसे कोने में ले गया, उसने समझाया, उसे चुप कराया, वरना रिया मुझे बदनाम करने का मौका छोड़ेगी? आज इस घर में अगर मेरी थोड़ी बहुत भी इज्जत बनी है ना, तो वो सिर्फ रणबीर की बदौलत। वरना तो जानती, अगर रिया सबको जाके प्रेगनेंसी वाली बात बोलती, उसके बाद मुझे क्या क्या नहीं सुनना पड़ता। देख प्राची, तू और मैं दोनों अच्छे से जानते हैं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। उसके बाद भी रणबीर मेरी कितनी केयर कर रहा है, इतना तो कोई शायद अपनों के लिए भी ना करे। पता है कभी कभी मैं उसे केयर करते देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। हमारे झूठ को सच मानकर कितना कुछ कर रहा है, सो जब उसे पता चलेगा कि तू प्रेग्नेंट है तो तेरे लिए क्या क्या नहीं करेगा। प्राची मैंने आज तक तेरे जैसी बेटी, तेरे जैसी बहन, तेरे जैसी दोस्त कभी नहीं देखी, क्योंकि तू ना बहुत अच्छी है। तुझे अपने रिश्ते अच्छे से संभालना आता है, उनको निभाना आता है। जब तेरे और रणबीर की बात आती है ना, तो हमेशा ना मेरे लिए सबसे ऊपर रणबीर ही होता है, क्योंकि वो ना एक बहुत अच्छा पति है। शायद वो तेरे जितना अच्छा नहीं होगा, पर वो एक बहुत अच्छा इंसान है। इज अ वेरी गुड हस्बैंड, तेरे साथ लड़ता है, वो तेरे लिए लड़ता भी है। और पता है तू सिर्फ कितना कुछ गुस्से में नहीं बोल जाती है, पर आज तक उसने तुझे पलट के एक जवाब तक नहीं दिया, सिर्फ बदले में तुझे प्यार ही प्यार दिया, ना कभी किसी को तुझे कुछ कहने का मौका दिया उसने। जितना कोशिश कर रहा है ना वो तुझे मनाने की, तो उसकी कोशिशों को और मुश्किल मत बना प्राची, अगर तू उसके साथ नहीं खड़ी हो सकती है। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री, अभी ऐप डाउनलोड करें।